आप सभी का स्वागत है इस नए अंक में। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं कश्मीर में, और अब लगभग सभी कश्मीर वासियों को ये नजर आ रहा है कि जो भी सरकार कर रही है वो द्वेष भावना से नहीं कर रही है। सबसे पहले उसे प्रमाण मिला जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। पहले ये ख्याल चलने लगा था कि शायद जम्मू कश्मीर बैंक के जिस शख्सियत को उतारा गया हो एक समुदाय से है और एक सोची समझी साजिश एक दूसरे वर्ग की है, मगर इसके बाद जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार उन्होंने किया था, भाई भतीजावाद किया था, और सिर्फ अपनों को और अपने खास नेताओं के कहने पर रिक्रूटमेंट की थी, उससे साफ जाहिर उन्हें हो गया कि एक मामला कुछ और था, किसी धर्म विशेष का नहीं था। अब इसलिए कश्मीर से ये बातें उठने लगती हैं कि अब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां सबसे बड़ी धांधली होती है और पैसा जो सरकार देती है उसका कितना दुरुपयोग कुछ लोगों के पास जाता है, और संभवतः अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता वहां से उठने लगी है कि अब जिस तरीके जेके बैंक में सफाया किया गया है भ्रष्टाचार का, और उसके बाद अब यही हाल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होना चाहिए। संभवतः आप कश्मीरवासी समझ चुके हैं कि जो अलगाववादी अंदर हैं इस समय सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने कारगुजारी ऐसी की थी, अपना स्वार्थ ज़्यादा सादा था, कश्मीर के लिए नाम मात्र किया था, और यही एक बात है कि इतने बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं के अंदर होने के बावजूद भी कश्मीर में किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। इसके बाद बाहर करें जो बाहर वाले इस समय बाहर हैं और उनके एकाएक व्यवहार में बदलाव आया है। सबसे बड़ी अगर हम बात देते हैं तो मौलवी की लेते हैं, जिस तरह मीरवाइज मौलवी ने अब जो बात पहले कहते थे वो ना कर कुछ और कह रहे हैं। अब कश्मीर वासी समझ चुके हैं कि एक बार दिल्ली उन्हें बुलाया था NIA ने, इसके बाद एकाएक सब कुछ बदलाव हो गया। इस तरीके की जो बातें चल रही हैं उसके साथ ये भी बात चल रही है कि जो पढ़े लिखे नौजवान जो बहकावे में आकर बंदूक उठा गए या उन्होंने बंदूक किसी मकसद के लिए उठाई, चूंकि कश्मीर के हालात ऐसे हैं, हर कश्मीरवासी को ये लगता है कि केंद्र सरकार उनसे ज़ाती कर रही है, कई ऐसे पढ़े लिखे लोगों का मारे जाना भी कश्मीर को सता रहा है, और अब कश्मीर ये भी समझ चुका है कि जो सरकार कर रही है संभवतः इसका लाभ उन्हें मिल सकता है, चूँकि यहाँ ये ना हो कि ना तो उन्हें जो मांग है कश्मीर में कोई उठाता है वो पूरी होगी। मगर अब एक बात तय है, ये बात अगर आहिस्ता आहिस्ता जो एक सकारात्मक ओर जा रही है और सत्ता दल और विपक्ष भी कुछ इस तरीके का काम करे कि उनको अपने विश्वास में ली, हालांकि जख्म बहुत गहरा है। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा मैंने पत्रकारिता करते हुए कुछ अनुभव जो कश्मीर घाटी से प्राप्त किया, कश्मीर में इस बात का भी मलाल है जिस तरीके से मीडिया बात जारी आतंकवाद पर रखता है, इससे कश्मीर में केवल रहम और गहरे होते हैं। क्या इसको रोकना पड़ेगा या इस पर नई नीति बनानी पड़ेगी? जग जाहिर है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और उसे सकारात्मक अगर किया जाए तो बात कुछ बन सकती है, और इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। साथ साथ जम्मू और लद्दाख को भी कश्मीर के साथ चलना पड़ेगा, वहाँ के दुख दर्द को समझना पड़ेगा और कुछ इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे जिससे कश्मीर वासियों को भी ये पता लगे कि जो यहाँ जख्म लगे हैं वो भरे जाएं, उसी में बेहतर है, क्योंकि जख्म पर अगर आप नमक छिड़कते हैं तो जख्म और गहरा हो जाता है। हर राजनीतिक दल को यह भी अब समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें जल्दी विधानसभा के चुनाव मुमकिन नहीं है, ना ही उस पर बात की जाए, चूंकि एक बार मुख्य धारा सकारात्मक धारा की तरफ अगर सब चलते हैं तो एक नया कश्मीर आ सकता है, इसके लिए समय जरूर लगेगा। नमस्कार।